छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में दो दिवसीय प्रवास के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया का आगमन हुआ। इस दौरान मंत्री ने नगर पंचायत पेंड्रा एवं नगर पंचायत गोरेला में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। गोरेला नगर पंचायत अध्यक्षता गंगोत्री राठौर के द्वारा मंत्री को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। वहीं इस दौरान नगरीय क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत कार्य की स्वीकृति प्रदान कर अनुदान देने, गोठान हेतु प्रस्तुत प्रकरण की स्वीकृति, प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने, तालाबों के जीर्णोद्धार, सफाई सहित कई मांगों को उठाया गया। तो वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान नगरीय मंत्री शिव डहरिया ने जिले की नगर पंचायतों में एल्डरमैन की नियुक्ति न होने का कारण चुनाव एवं कोरोना महामारी को बताया। वहीं स्पष्ट तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि गोरेला पेंड्रा मरवाही में विकास होगा, श्रमिकों के पंजीयन की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, हम भारी बहुमत से मरवाही में अपनी जीत दर्ज कराएंगे। जिला कांग्रेस में बिखराव की बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मरवाही की तरह कोटा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है, परंतु परिणाम अनुकूल नहीं आया। इसी पर उन्होंने परिस्थितियों का हवाला देकर बात को टालते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बताया। वहीं कहा कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत जल्द ही लोगों को लाभ मिलेगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। धन्यवाद आप सबका भी, पत्रकार साथियों का बहुत स्वागत है। हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है, नया जिला बना है तो तालाब सबको मिलना चाहिए। नगरी प्रशासन मंत्री बनने के बाद आपने सर्वप्रथम ये बयान जारी किया था कि मत परिवर्तन अगर किसी भी नगर पंचायत में, नगर संस्था में हो रहा है तो इसके खिलाफ FIR होगा। गोरेला नगर पंचायत में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर 98 लाख रुपए का कार्य स्वीकृत हुआ था उसका, वो अपने मूल रूप से परिवर्तित करके दूसरे डिजाइन को उसको तैयार किया गया। उसकी जांच बार बार हुई, फाइल रायपुर गई, लोकायुक्त में आज तक वो पेंडिंग। देखिए, मत परिवर्तन का काम निकायों का नहीं होता। मत परिवर्तन अगर जरूरत है तो सरकार के अनुमति से होती है। और जैसे आप बता रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बनाने के लिए, जो DPR बना हुआ है, जगहों की कमी के नाम से या जगहों की बढ़ोतरी के नाम से कोई उसमें संशोधन किया जाता है तो वो अनुमति लेकर की जाती है। और मैं इसको दिखा लूँगा, अगर कहीं अनुमति लेकर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अनुमति लेकर किए जाने का प्रावधान है। निकाय को अपने उससे बिना जान सरकार की जानकारी में लाए मत परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई मत परिवर्तन करके करता है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होती है और हमने इसमें सख्त एक्शन लिया हुआ है। अंबिकापुर में हमने एक अधिकारी को बर्खास्त भी किया है, बस्तर में एक अधिकारी इस तरह के उनको हमने बर्खास्त किया है, और कुछ इस तरह के काम करने वाले अधिकारी हैं जो भ्रष्ट आचरण के उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ FIR भी कराए गए हैं। तो अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। काम करने में कहीं कोई सुविधा हो या उसमें काम में कोई संशोधन करना हो तो वो किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा विकास प्राधिकरण में हड़प्पा के संरक्षण की बात होती है, पर इस जिले से निकलने वाली हड़प्पा के किसी भी उद्योग में को संरक्षित करने के संवर्धन की बात नहीं होती। देखिए, नया जिला बन गया है और नया जिला बनने के बाद विकास की गति तेज होगी। यहाँ सारे अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं, कलेक्टर, SP और सारे विभाग अभी धीरे धीरे चालू होंगे, तो निश्चित रूप से उस दिशा में भी काम होगा और इस जिले का विकास, हमारे वनांचल क्षेत्र है, इनका विकास की गति में बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। और हमारे क्या गुंडबाजी इसका कारण नहीं, अधिकांश निकाय में एल्डरमैन की नियुक्ति हो गई है। अब चुनाव आ गया था, चुनाव के बाद कुछ नियुक्तियाँ होनी तो वो हो जाएगा, उसमें कहीं गुटबाजी का सवाल ही नहीं है। हमारे संगठन और सरकार का पूरी तरह से समन्वय है और सरकार और संगठन दोनों मिलके उसमें कार्रवाई करते हैं, जो नाम आते हैं उसमें विचार करके फिर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से जारी किए जाते हैं। अधिकांश जगह हमारे हो चुके हैं, कुछ जगह बचे हैं उसमें भी कर देंगे, उसमें
अभी नाम मंगाए गए संगठन से और हमारे विधायकों से, सांसदों से और सारे लोगों से नाम मंगाकर फिर उसमें सबका समावेश हो, विचार करके किया जाता है कि कोई एक तरफा कार्यवाही नहीं होती कांग्रेस में। लॉकडाउन खत्म हो गया है, कोरोना काल चल ही रहा है, लेकिन श्रमिकों का पलायन वापस है, वापस मतलब काम की ओर जा रहे हैं, तो क्या ऐसे श्रमिकों को पंजीयन करने की योजना है श्रम विभाग की? निश्चित रूप से श्रम विभाग में पंजीयन की व्यवस्था है और पंजीयन की कार्रवाई होती है। हमारे प्रदेश में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा श्रमिक अन्य प्रदेशों से आए हैं, जिनको हम लोगों ने ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से सारे श्रमिकों को उनको लाने का काम किया है और उनको रोजगार यहाँ उपलब्ध हो, उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए सरकार काम कर रही है। हमने सारे श्रमिकों के स्किल मैपिंग के निर्देश सारे कलेक्टर्स को दिया हुआ है और जो जिस काम को करता है उस काम में उनकी महारत है, ऐसे लोगों को उनके स्किल के आधार पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। जो स्थानीय फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ जिस स्किल की ज़रूरत है उनको उपलब्ध कराने की काम किया जा रहा है और सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे उन लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। पर अभी देखने में आ रही वापस जा रहे हैं, मतलब आप लाने की बात बोल रहे हैं लेकिन ये श्रमिक अब वापस जा रहे हैं, तो पंचायत इस पर नौकरी करता है। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे श्रमिकों की स्थिति भी वैसी होती है, हम उसका पंजीयन होता है यहाँ पे, ठेकेदारों का पंजीयन किया जाता है, श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है, जो बाहर जाने वाले श्रमिक है उनका भी पंजीयन होता है और कुछ श्रमिक बिना बताए चले जाते हैं जो बाद में बंधक बना लिए जाते हैं या अन्य मामले आते हैं तो दिक्कत होती है। निश्चित रूप से जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस स्किल का आदमी अगर यहाँ और उनको कम राशि मिल रही है दूसरे जगह उनको ज़्यादा राशि मिल रही है। हमारे प्रदेश के भी दूसरे लोग अन्य प्रदेशों में नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उस तरह से हमारे श्रमिक भी हैं जो जिस स्किल में माहिर है, कोई सेमी स्किल्ड होता है, कोई स्किल्ड होता है, कोई अनस्किल्ड होता है, तो उनको अगर कहीं बाहर जाते हैं तो पंजीयन उनका होता है और बाहर जाकर वो रोजगार का काम कर सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मरवाही की क्या विशेष रणनीति होगी चुनाव जीतने के लिए? देखिए मरवाही तो हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और आगे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है, मरवाही में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मरवाही से जे सी जे ने अपना विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया है, कांग्रेस को देरी क्यों लग रही है और कैसे प्रत्याशी? अभी जरूरत नहीं है कांग्रेस की, जब जरूरत होगी तो करेंगे और हमारे लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस आगे आ रही है, अपने लगातार नेताओं को भेज रही है, क्या नाक का प्रश्न बन गया मरवाही? देखिए पूरा प्रदेश में हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आते जाते हैं, हमारे मंत्रीगण आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव है इसलिए अभी चर्चा हो रही है। हम लोग भी कोविड के पहले कई बार यहाँ आए हैं, गए हैं, लेकिन चर्चा नहीं हुई। अब चूँकि चुनाव है तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी हो, कार्यकर्ता हमारा मजबूत हो, उसके लिए हमारी संगठन और हमारे पार्टी के नेता अगर काम करेंगे तो हमारी निरंतर प्रक्रिया है। हर चुनाव के पहले कांग्रेस बड़ी आत्मविश्वास में दिखती, संगठित दिखती, लेकिन चुनाव आते आते वो एकत्रीकरण दिखता नहीं, बिखराव आ जाता है, ऐसा क्यों? कहीं कोई बिखराव नहीं है कांग्रेस में, आप देख लीजिए हम 69 सीट जीत के आए हैं, एक तरफा हमारे एक तिहाई बहुमत कांग्रेस का है। नहीं, उसका आकलन तो अपन बाद में करेंगे कि आप भाजपा हारी है या कांग्रेस जीती, लेकिन कांग्रेस संगठित अभी दिखती है लेकिन चुनाव आते आते बिखर जाती है, इस पे बात हो रही है? नहीं, कहीं कोई नहीं बिखरती, कांग्रेस एक साथ है और कांग्रेस मजबूत है। ज्ञानेंद्र उपाध्याय पार्टी में जैसे जी से कांग्रेस में आने पर जिस तरीके से पूरे जिले में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ, संगठन में जाकर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराए, क्या पार्टी को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई मजबूरी आ गई ज्ञानेंद्र उपाध्याय को, कार्यकर्ताओं की भावना को विपरीत जाकर के निर्णय लेना पड़ा पार्टी में शामिल करने का? नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान कोई पार्टी करती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों में बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे कांग्रेस के नेतागण अपने विचार अपने नेताओं का व्यक्त कर सकते हैं, उनको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने का। भाजपा में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी से असहमत हैं तो आप जाकर अपने नेताओं को बात करें, वहाँ इस तरह की पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन हमारी पार्टी में स्वतंत्रता है, पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात कहीं रखना है वो रख सकते हैं और उसी तरह वो लोगों ने अगर उन कोई दिक्कत है तो अपनी दिक्कतें जो है वो अपने नेताओं को बताए हैं और उनका निराकरण किया जाता है। पार्टी में लोग आते रहते हैं,
और जाते भी रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत होकर खड़ी रहती है, उसमें कहीं कोई नहीं। सर, कोटा भी कांग्रेस का गढ़ था लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं आया, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिससे कुछ जगह दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हमारी स्थिति पूरे प्रदेश में अच्छी है। हमारी स्थिति ऐसी लग रही है कि संगठन बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। यहाँ पर मरवाही विधानसभा के मरवाही चुनाव है, उत्तर हमारा संगठन कहीं बिखरा नजर नहीं आ रहा है। आपको कहाँ बिखरा दिख रहा है बताओ मेरे को? हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे संगठन के सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। आपको बिखरा तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता आदरणीय नंद कुमार साय जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में गर्त में चली गई है। आपने उनका परसों का बयान सुना होगा। इस तरह की स्थिति हमारे कांग्रेस में नहीं है। हमारे कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता एक साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। नगर में पेयजल सुलभ कराने के लिए 16 करोड़ की योजना थी, मलंगा जलावर्धन योजना, पाइपलाइन का विस्तार का काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी वो फिल्टर प्लांट चालू नहीं हो सकता। मैंने अभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीएचई के जो कुछ काम बचे हुए हैं वो काम पूरा करवा लें और उनका सौंपने का काम नगर निगम नगर पंचायत को करेंगे और वो जल्दी उस पर कार्रवाई। नगरीय निकायों को अपग्रेड करने की मांग की जा रही है, अभी इस तरह की कोई मांग आई नहीं है और मांग आएगी तो परीक्षण करके उस पर आगे। मरवाही उपचुनाव के लिए पिछले प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा या किसी नए चेहरे के पास? देखिए, ये तय करने का काम हमारे संगठन का और हमारे पार्टी के नेताओं का है और वो जो तय करेंगे वो सारे लोगों को मान्य होता है। सर, एक छोटा सा है कि अपने संजय चौक में एक फवारा था जिस समय भाजपा की गवर्नमेंट थी, एक गाड़ी उनकी मुड़नी थी और फवारा तोड़ दिया गया नगर पंचायत द्वारा, उन्होंने कहा कि पैसा जमा है कि तो आज दिनांक तक वो वहाँ की सुंदरता को नहीं बनाया जा सका, तो क्या है? अभी स्थानीय छोटी छोटे बातें रहती हैं, हमारे यहाँ के पार्षदगण और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो उसको देखते हैं और वो बताएंगे और बताएंगे तो उस पर निश्चित रूप से। क्योंकि उसका पैसा जो जमा होने के बावजूद भी अब कहते हैं नगर पंचायत हमारे पास पैसा नहीं आया, जबकि पैसा उसका तोड़ने के पहले दिया गया, दिखवा लेंगे। नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई विशेष योजना कार्य योजना है? देखिए, नगरीय निकायों का मूल काम जो है जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। शहर और गांव में जो अंतर होता है वो अंतर कुछ दिखता है शहरों में। शहरों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, सड़क है, पानी है, बिजली है, सफाई है, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं वो मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, जो निर्माण काम होते हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण हो, ये हमारा सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 15 सालों में जो व्यवस्थाएं बिगाड़ के रखी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो ठेकेदारी के माध्यम से हो, गुणवत्ता में कमी के माध्यम से हो, उसको सुधारने में ज़रूर कुछ समय लगेगा लेकिन उसको हम सुधार लेंगे और नगरीय निकाय विकास के काम पूरी गति से। भूमि के अभाव में पिंडो नगर पंचायत में दो बड़े काम, 70 लाख का एक असेंबली हॉल है, सामुदायिक भवन अंबेडकर हॉल के नाम से सेंक्शन हुआ, वो अब रुका हुआ। मैंने आज ही कलेक्टर से बात किया है, यहाँ हमारे गौठान भी स्वीकृत है, उसकी राशि भी आ गई है, तो उसको बनाने का काम करेंगे। चूँकि यहाँ पे वन अधिनियम लागू है, बड़े झाड़ के जंगल छोटे झाड़ के जंगल हैं तो कानूनी बाध्यता रहती है, इसलिए जगह का आवंटन जो है नगरीय निकाय को नहीं हो पाया है। तो हमने कहा है कि उसको जिस माध्यम से बने, फॉरेस्ट के माध्यम से बने तो फॉरेस्ट के माध्यम से बना लें, और अगर उस तरह से बनेगा तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हमारा मूल उद्देश्य है कि लोगों को जो जिन कामों को ज़रूरत है वो काम पूरा हो। तो हमने 75 लाख रुपये का सर्व मांगलिक भवन जो स्वीकृत हुआ है, अम्बेडकर मंगल भवन स्वीकृत हुआ है, वो भी बनेगा। एक गौठान के लिए हमने राशि स्वीकृत करके राशि पहले भी भेज दी है, आज का नहीं हुआ है, और यहाँ पौनी पसारी बाजार के लिए भी हमने राशि दोनों निकायों को भेजा हुआ है। लेकिन जगह में दिक्कत थी, हमने आज ही कलेक्टर को बुला के निर्देश दिया है कि उसको माध्यम कोई भी हो, कार्य एजेंसी कोई भी हो, उसको बना ले और नगर पंचायत को सौंप दे। जिस तरह से अभी पीएचई ने यहाँ जलावर्धन योजना बनाई है लेकिन उसका संचालन नगरीय निकाय करेगा, उसी तरह से जो अन्य काम है अगर वन भूमि अधिनियम लागू है तो उसमें काम कराने की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है।
तो हमने कहा है कि कार्य एजेंसी वन विभाग को बना लीजिए, लेकिन लोगों का काम होना चाहिए। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.